Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Saleem. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. Dear students, आज हम बहुत important topic करने वाले हैं. Database का ये topic बहुत important topic है जिसका name है Entity Relationship Data Model. इसको Entity Relationship Diagram भी बोला जाता है और इसका abbreviated form है ER Data Model या इसको ER Diagram भी बोला जाता है. Okay. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुंच पाए. ओके, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ER डायग्राम की तरफ या ER डेटा मॉडल की तरफ आते हैं. उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ याद कराऊं तो हम लोगों ने एक लेक्चर में डेटा मॉडल्स को डिस्कस किया था. डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? डेटा मॉडल इज द सेट ऑफ टूल्स और कंस्ट्रक्ट डाटा यूज्ड टू डिजाइन दी डेटाबेस. जो क्या करते हैं, डेटाबेस के डिजाइन को बनाने के लिए टूल्स और कंस्ट्रक्ट यूज किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो डेटा मॉडल्स होते हैं. और डेटा मॉडल्स मैंने आप लोगों को कराया था कि दो तरह के होते हैं, एक होता है सिमेंटिक डेटा मॉडल और एक होता है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल. और जो सिमेंटिक डेटा मॉडल होते हैं ना, वो फर्दर टू टाइप के होते हैं. एक होता है ER डायग्राम या ER डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, और सेकंड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. हम सिमेंटिक डेटा मॉडल की फर्स्ट टाइप एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं आज. तो एंटिटी रिलेशनशिप जो डेटा मॉडल है ना, ये सिमेंटिक डेटा मॉडल है. और सिमेंटिक डेटा मॉडल कौन से होते हैं? सिमेंटिक डेटा मॉडल वो वाले मॉडल होते हैं जो एज कंपेयर टू रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल क्या करते हैं, ज्यादा टूल्स और कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से जो डेटाबेस का डिजाइन बनता है ना, वो बड़ा एफिशिएंट बनता है, बड़ा एक्सप्रेसिव होता है, बड़ा ईजी होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है. इस वजह से कि हम डेटाबेस के डिजाइन को ईजिली समझ पाए, तो सिमेंटिक डेटा मॉडल हमें ज्यादा टूल्स और ज्यादा कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है. ओके, तो हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की तरफ आते हैं या एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल की तरफ आते हैं. याद रहे, मैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलूं या एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल बोलूं, दोनों सेम है, दोनों आप लोग एक ही समझिएगा. एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल की बात करें ना, तो एंटिटी रिलेशनशिप क्या होती है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किसकी होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, ऑफ कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन. हम लोगों ने कहा था कि जो डेटाबेस स्कीमा आर्किटेक्चर होती है ना, 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर, उसमें जो मिडिल लेवल होता है ना, वो होता है लॉजिकल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल. और उस लेवल पे आप लोग क्या करते हो, कंसेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल पे करते हो, व्हाट डेटा टू बी स्टोर्ड. ओके, इसमें क्या किया जाता है, डेटा कौन कौन सा स्टोर करना है, हम लोग ये यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं. तो मेरी बात समझिएगा कि हम लोगों ने एक ऐसा मॉडल इस लेवल पे यूज करना है जो कि ये रिप्रेजेंट करे कि डेटा या डेटा के ऑब्जेक्ट या डेटा का आपस में रिलेशनशिप क्या क्या होगा, या कौन कौन सा डेटा आप लोगों ने डेटाबेस में यूज करना है. तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा मॉडल यूज करते हैं जिसमें जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी एंटिटीज, जितने भी रिलेशनशिप उनके दरमियान होंगे, उन सबको क्या करते हैं, इस लेवल पे डिफाइन कर लेते हैं, इस लेवल पे हम लोग निकाल लेते हैं. तो ये ग्राफिकली या विजुअल फॉर्म में हम एक डायग्राम बनाते हैं, विजुअल फॉर्म में शो करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं और उन ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशनशिप क्या है. तो ये जो एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल है ना, ये हाई लेवल डेटा मॉडल होते हैं. क्या होता है? हाई लेवल मॉडल है ये. हाई लेवल डेटा मॉडल का क्या मतलब है कि इसमें जो निचली फिजिकल लेवल की या इंटरनल लेवल की जो डिटेल होती है ना, वो यहाँ पे हाइड होती है. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशनशिप बना लेते हैं. ओके, हम क्या करेंगे आज वाले जो लेक्चर में ना, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल में हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि इसके कंपोनेंट कितने होते हैं ER डायग्राम के या ER डेटा मॉडल के, और उन कंपोनेंट को 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में लेते जाएंगे. ओके, अगर हम इनके कंपोनेंट की बात करें ना, कंपोनेंट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर एक दफा डिटेल में यह बताऊं कि आप लोगों को समझ लगी होगी कि एंटिटी रिलेशनशिप क्या है. नेम से पता लग रहा है इसमें क्या होती है, इसमें एंटिटीज होती है और उन एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप होता है. ओके, एंटिटी अभी बताता हूं एंटिटी क्या चीज है. एंटिटी को आप लोग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो. एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोग अपना घर बनवाने लगे हो। घर बनवाने से पहले बिल्डर या कंस्ट्रक्टर के पास जाने से पहले आप लोग क्या करते हो, आर्किटेक्ट के पास जाते हो, उससे अपने घर का, अपने बिल्डिंग का एक नक्शा बनवाते हो, एक मैप बनाते हो, एक आर्किटेक्चर डिजाइन करवाते हो, जो क्या होता है कि ये बताता है कि इस घर में कितने डाइनिंग रूम होंगे, कितने बेडरूम होंगे, कितने रूम होंगे, लॉन कहाँ होगा और उसके बालकनी कहाँ होगी और वॉशरूम कहाँ होंगे। ये सारी चीज़ें उस घर का एक नक्शा, एक मैप देते हैं, एक डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक जो फाइनल प्रोडक्ट होती है ना, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन, उसका लेआउट बता रहे होते हैं। तो जो ER डायग्राम है ना, ER डेटा मॉडल है ना, ये भी जो फाइनल डेटाबेस जिसमें हम लोगों ने डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है, उसको इम्प्लीमेंट या क्रिएट करने से पहले जो प्रोग्रामर या जो DBA होते हैं ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, पहले उसका एक ग्राफिकली लेआउट बनाते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, एक डेटा मॉडल यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि इसमें एंटिटी कौन कौन सी हमने लेनी है डेटाबेस में, और डेटाबेस की एंटिटी लेने के बाद एट्रीब्यूट कौन से होंगे या उनका रिलेशनशिप कौन सा होगा। तो उसके लिए मॉडल कौन सा यूज किया जाता है, ER डेटा मॉडल यूज किया जाता है। ओके, अच्छा, आप लोगों को एग्जांपल समझ लगी हो तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने कहा कि जो एंटिटी रिलेशनशिप क्या होती है ना, ये क्या करती है, ये डेटाबेस का कंसेप्चुअल डिजाइन हमें बताती है, या ये डेटाबेस का कंसेप्चुअल डिजाइन दे रही होती है। कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं, ER डेटा मॉडल कहते हैं। ओके, इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है ना, वो होता है एंटिटी। ओके, अब एंटिटी क्या है, एंटिटी किसको कहा जाता है, एंटिटी कहा जाता है एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, हम कहते हैं कि इसको आप लोग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एंटिटी को। ओके, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट। मेरे पास अभी रूम की बात करूँ ना, जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने ये माइक्रोफोन लगाया हुआ है, उसके बाद कैमरा है, उसके बाद मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, फैन है, AC है, लैपटॉप है, ये लाइट्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। इस तरह अगर हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, वहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट एंटिटी एट द सेम टाइम एक डेटाबेस के अंदर यूज हो सकती है। टीचर है, स्टूडेंट है, कोर्सेज है, रूम है, उसके बाद डिफरेंट और भी एम्प्लॉय हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सारे की सारी एंटिटीज हैं। तो एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड इज नॉन एज एंटिटी। और जो एंटिटी है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, ER रिलेशनशिप डायग्राम का। सबसे बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, जिसके बिना यूं समझ लीजिए ER डायग्राम या ER डेटा मॉडल बन ही नहीं सकता, तो वो हमारे पास एंटिटी है। वैसे तो इसके जो भी कंपोनेंट है सारे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ER डेटा मॉडल, ER डायग्राम बन ही नहीं सकती, बट इसके बिना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लेंगे तो ये सब बाकी कंपोनेंट की क्या बनेगी, बेस बनेगी। तो जो सेकेंड कंपोनेंट होता है एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल का, वो होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कहा जाता है प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है, वैल्यू को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक एंटिटी लेते हैं, एंटिटी हमारे पास है स्टूडेंट। ओके, उसके बाद जो एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सैम्बल यूज करते हैं ना, या नोटेशन यूज करते हैं, वो होती है रेक्टेंगल। ओके, एंटिटी को किस में लिखा जाता है, रेक्टेंगल में लिखा जाता है। तो हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट, इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको किया जाएगा रेक्टेंगल में। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। ओके, तो ये एक एंटिटी है। अब अगर हम इसके एट्रीब्यूट लें तो उन एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, एक्लिप्स शेप में, ओवल शेप में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का नेम, ओके, उसके बाद स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्स लिए हैं, उसके बाद स्टूडेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट की एज, ओके, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये सारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हैं जो कि इसके साथ मिल रहे हैं, जो कि इसके साथ इसका रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये जितने भी मैंने लिखे, ये इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टी है। मैं ना, मेरा नेम, मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे क्या, मेरा एड्रेस, उसके बाद डिग्री, लास्ट डिग्री, उसके बाद ग्रेड, उसके पासिंग मार्क्स, उसके बाद ये सारा कुछ जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरी, जो प्रॉपर्टी है मेरी, उसको कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। ओके, होपफुली आप लोगों को एंटिटी और एट्रीब्यूट की समझ लगी होगी। अच्छा, जो एंटिटी के लिए सैम्बल यूज किया जाता है, नोटेशन यूज की जाती है, वो होती है रेक्टेंगल। ये कौन सी है, रेक्टेंगल, ओके। और जो एट्रीब्यूट है इसके लिए कौन सी यूज की जाती है शेप, उसके लिए ये यूज की जाती है, इसको कहा जाता है ओवल शेप या इसको एक्सलिप्स शेप भी कहा जाता है। उसके बाद जो इसका थर्ड कंपोनेंट होता है ना या डेटा मॉडल का, उसको कहा जाता है रिलेशनशिप। मैं ये रेज कर रहा हूँ आप लोगों को लास्ट पे, जब हम लोग ये एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल के सारे कंपोनेंट को डिटेल में कर लेंगे, उसके बाद इसकी एक एग्जांपल भी बहुत कंप्रीहेंसिवली वे में हम लोग करेंगे। जो थर्ड आज के लेक्चर में यही समझो कि एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल होता क्या है और उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं। उसके जो थर्ड कंपोनेंट है वो होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को कहा जाता है एसोसिएशन बिटवीन दी एंटिटीज। एक अगर हम डेटाबेस की बात करें ना, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो एट द सेम टाइम एट अ टाइम एक डेटाबेस में मल्टीपल एंटिटीज हो सकती हैं। हम लोग अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, ओके। स्टूडेंट एक नहीं है, मल्टीपल स्टूडेंट्स है, बट मैं एक एंटिटी के लिए उसका नेम क्या रख दिया, एंटिटी का स्टूडेंट। और उसके बाद हमारे पास हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में और एक और एंटिटी है जो कि है टीचर, ओके। अब स्टूडेंट और टीचर की आपस में कोई ना कोई एसोसिएशन होगी, स्टूडेंट का और टीचर का आपस में कोई ना कोई लिंक होगा। इस लिंक को, इस एसोसिएशन को कहा जाता है रिलेशनशिप। के स्टूडेंट अगर टीचर आपस में एसोसिएट कर रहे हैं, लिंक बना रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एंटिटी है, इस एंटिटी को किसमें मैंने लिख दिया, रेक्टेंगल में लिख दिया। क्यों रेक्टेंगल में लिखा, क्योंकि एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल यूज की जाती है, ये शेप यूज की जाती है। और टीचर भी एक एंटिटी है, तो टीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी शेप यूज कर रहा हूँ, रेक्टेंगल कर रहा हूँ। अब रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो शेप यूज की जाती है उसको कहा जाता है डायमंड शेप। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायमंड सिंबल, डायमंड सिंबल या डायमंड शेप यूज होती है। तो रिलेशनशिप कैसे बनता है, इसको सेंटर में हम लोग लिखेंगे, बनाएंगे डायमंड को, इस शेप को, और इसके अंदर हम रिलेशनशिप लिखेंगे और ये रिलेशनशिप को हम इसके साथ, दोनों के साथ एसोसिएट कर देंगे, लिंक करवा देंगे। अच्छा, जो ये हमारे पास रिलेशनशिप है ना, यहाँ पे हम रिलेशनशिप का कोई ना कोई टाइटल भी देंगे, कोई ना कोई टैग भी देंगे, जो कि ये शो कर रहा होगा, ये टैग या टाइटल जो हम देंगे ये शो कर रहा होगा कि जो स्टूडेंट है और टीचर है इनका रिलेशनशिप क्या शो कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि जो स्टूडेंट है ना वो टीचर से पढ़ रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम लोग शो करते हैं कि स्टूडेंट टॉट बाय दी टीचर। तो यहाँ पर रिलेशनशिप का टैग या रिलेशनशिप का टाइटल या रिलेशनशिप का नेम हम लोगों ने क्या रखा, स्टूडेंट किससे पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं। इसी तरह हम लोग अगर कहते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक एंटिटी, और एक तरफ हमारे पास कोर्स है, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसको, कोर्स को, ओके। लेट्स सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक और, मैं बता देता हूँ आप लोगों को समझ लग जाएगी। ये हमारे पास एक और एंटिटी है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारे पास एक कोर्स है। कोर्स का मतलब वो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, उसके बाद ऑटोमेटा, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो यहाँ पे उन दोनों के दरमियान, स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान क्या बनेगा, रिलेशनशिप बनेगा और इसकी एसोसिएशन होगी दोनों के दरमियान। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, किसको, इस कोर्स को। यहाँ पे कोई भी कोर्स हो सकता है। और इसी तरह इस स्टूडेंट, इस एंटिटी के क्या होंगे, कोई ना कोई एट्रीब्यूट होंगे, और उनको किस में लिखा जाएगा, उनको ओवल शेप में लिखा जाएगा। इसमें भी कोई ना कोई शेप होंगे, इसमें भी कोई ना कोई एट्रीब्यूट होंगे। और इस तरफ टीचर, टीचर आईडी, टीचर नेम, डिपार्टमेंट आईडी, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद टीचर का फर्स्ट नेम, टीचर का लास्ट नेम, टीचर का एड्रेस, टीचर की कंटेक्ट डिटेल, ये सारे का सारा क्या है, उनके एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे, ओके। हम लोग जब लास्ट पे एक डिटेल में एग्जांपल करेंगे ना, तो मैं आप लोगों को सारी ये चीजें एक एग्जांपल फॉर्म में कंप्रीहेंसिवली समझा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इस टॉपिक को एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल को समराइज कर देता हूँ। मैंने कहा जो एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल है, ये क्या करते हैं, ये हाई लेवल डेटा मॉडल होता है। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल ये क्या करते हैं, ये कंसेप्चुअल डिजाइन देते हैं, डेटाबेस का कंसेप्चुअल डिजाइन देते हैं। और कंसेप्चुअल डिजाइन कहाँ पे हम डिजाइन कर रहे होते हैं, लॉजिकल लेवल पे, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल पे हम लोग एक कंसेप्चुअल डिजाइन बनाते हैं। और जब हमारे पास ईआर डायग्राम या ईआर डेटा मॉडल बन जाता है, हम लोग इसको देखते हुए एक फाइनल डेटाबेस का जो इंप्लीमेंटेशन है, डेटाबेस उसको क्रिएट कर लेते हैं, ओके। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन इज नोन एज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ओके। और ये डायग्राम क्या करती है, ये डायग्राम थ्री कंपोनेंट पे बेस कर रही होती है। पहला कंपोनेंट कौन सा होता है, होता है, एंटिटी होता है, जो कि कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक जिसको हम कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है डेट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड, जिसको आप ले सकते हो, जिसकी प्रॉपर्टी या प्रैक्टिसेस को आप लोग फाउंड कर सकते हो, वो क्या होती है, एंटिटी होती है। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट हमारे पास होता है वो होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, प्रैक्टिसेस या प्रॉपर्टी को कहते हैं। और थर्ड पे हमारे पास होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज आल्सो नोन एज द एसोसिएशन और लिंक बिटवीन द डिफरेंट एंटिटीज। जितनी भी एंटिटी होती है डेटाबेस की, आपस में कोई ना कोई लिंक बना रही होती है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एंटिटी की डिस्कशन में जाएंगे। एंटिटी कितनी तरह की होती है और एंटिटी में कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, एंटिटी वीक एंटिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, वो करेंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट की डिस्कशन में जाएंगे, उसके बाद रिलेशनशिप की डेप्थ और डिटेल में जाएंगे। तो इन तीनों पे अब हमारा डिटेल में एक अलहदा से लेक्चर आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।